हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर का मोदक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ये पान का मोदक। और क्यों ना इस तरह का पान का मोदक और डिफरेंट फ्लेवर मोदक हम बना के गणपति बापा को भोग प्रसाद लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में उतना ही आसान है। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है फ्रेंड्स सिंपल है, जो कि सभी के घर में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज हम ये बनाएंगे पान से, जो पान हम पूजा में यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, बस वही पान से आज हम ये बहुत ही टेस्टी वाला मोदक बनाएंगे। तो शुरू करने से फ्रेंड्स, पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसे घर पे आसानी से बना सके। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया और यहाँ पे मैंने 6 पान ले लिए, जो पान हम लोग खाते हैं पूजा में यूज़ करते बस वही पान। तो पान को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है, और इसके ऊपर का हमें जो बड़ा डंडी होती है ये निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें सारे पान को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और इसे हमें इस तरह से बारीक हमें इसके पीसेस करके ग्राइंडर जार में डाल देना है। और इस तरह से ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह का मोदक आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि 10 दिन हमको गणपति बापा के लिए कुछ ना कुछ अलग टाइप का भगवान को भोग लगाना होता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना होता है। तो इस तरह का आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया दाल रोस्टेड वाली 1 चम्मच। 1 चम्मच यहाँ पर जाएगा सौंफ, और यहाँ पर यही चम्मच से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है गुलकंद। तो फ्रेंड्स, गुलकंद जो है वो आसानी से कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करते समय हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ना ही हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है पान की। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसे ग्राइंड किया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल दूंगी कलर। ये फूड कलर है, ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, या आप अगर आपके पास ड्राई कलर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाला है, ताकि ये थोड़ा सा कलर इसमें और अच्छे से ग्रीन कलर आ जाए। और ये देखिए, तो चलिए ये तो चटनी हमारी तैयार हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई कोकोनट पाउडर, जो कि हर ग्रॉसरी शॉप में आसानी से ये मिल जाता है, या फिर आपके पास कोकोनट है ड्राई, तो उसका ऊपर का छिलका निकाल लीजिए, उसे ग्रेट कर लीजिए और उसे ग्राइंड कर लीजिए, तो इस तरह का पाउडर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, और इसे हमें आधा से 1 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत ही जल्दी कलर चेंज कर लेता है। तो इसीलिए बिल्कुल, अगर आपका पैन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गैस को बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसे 1 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए, मिक्स करते हुए इसे मैं भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा पैन जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस मैं इसे ऐसे ही भूनूंगी 1/2 मिनट से 1 मिनट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डालना है इसी स्टेज में कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद करके रखा है फ्रेंड्स, तो अगर मैं चालू रखूँ तो ये जल जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद रखना है। और कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दूध। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और मिल्क ऐड करने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दूध का यूज़ सिर्फ 3 चम्मच जितना ही किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ड्राई है, तो आप इसमें और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हो, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हम इसमें ये डाल देंगे पान की चटनी, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से, और इसका कलर भी देखिए, आप बहुत ही सुंदर कलर आया है। और इसमें मैंने ना ही घी डाला है, ना ही ऑयल डाला है, हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि कोकोनट का जो ऑयल है वो कुछ देर के बाद में ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है।
ये देखिए आप देख सकते हो कि थोड़ा ये स्पैचुला पे इसका ऑयल छूटना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए जैसे हम लड्डू बनाते हैं, तो बस इसी तरह से आपको देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी अगर ऐसी हो जाती है तो गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो ये बिल्कुल 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे आप चटनी ऐड करोगे उसके बाद में आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है, और ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही सब करना है, नहीं तो कोकोनट जो है वो जल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ये बहुत ही बढ़िया सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो बस इसे हमें अब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लेना है, और यहाँ पे इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोदक है, पान मोदक, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास चेरी है तो आप वो भी डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी है तो वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है हमें, बिल्कुल ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मोल्ड ले लिया है मोदक का, और इसके अंदर अब हमें ये स्टफिंग डाल देना है, ये फिलिंग डाल देना है, और हमें इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसमें ये भर देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने मोल्ड को कुछ भी नहीं लगाया फ्रेंड्स, ना ही घी लगाया है ना ही ऑयल लगाया है, क्योंकि हमारा कोकोनट का ऑयल जो है वो ही काफ़ी है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमें सारे मोदक को बना लेना है। बस इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देना है, इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है। आप चाहे तो इसके अंदर गुलकंद का स्टफिंग भी कर सकते हो फ्रेंड्स, पर मैं नहीं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमने गुलकंद इसमें डाल दिया है। अगर बहुत ज़्यादा स्वीट होता है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद है बहुत स्वीट तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये देखिए पान का मोदक बनके तैयार हो गया। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, और पान भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया से पान फ्लेवर के मोदक बनके तैयार हो गए। हमने इसमें ना ही कोई एसेंस डाला है, ना ही हमने इसमें शुगर का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें घी का यूज़ किया है। तो देखिए इतने बढ़िया से हमारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारी मोदक की रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है, जो कि आप मेरे चैनल आर्टिस्टिक विजन पर देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।